धान का गंधी बग, गंधी बग ऑफ पैडी। नमस्कार किसान साथियों, धान में विभिन्न प्रकार के कीटों के कारण होने वाले प्रकोप के बारे में हमने पिछली कड़ियों में जानकारी ली। अब जानते हैं गंधी बग के बारे में। ये जो धान का गंधी बग आप देख रहे हो ना, बड़ा ही खतरनाक कीट है। खड़ी फसल को बर्बाद करने की ताकत है इसमें। इसे नजरअंदाज करना मतलब अपने ही हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने जैसा है। तो इससे कैसे बचा जाए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब धान की बालियां निकल रही हो तो किसानों को अपनी फसल पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसी समय गंधी बग के प्रयोग की संभावना ज्यादा होती है। गंधी बग के प्रकोप का समय होता है सितंबर से नवंबर के बीच का। ये कीट लंबी टांगों वाले भूरे रंग एवं एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ने वाले होते हैं। इसकी मौजूदगी से ही खेतों में दुर्गंध आने लगती है। यह कीट सिर्फ धान पर ही नहीं बल्कि अन्य घास एवं फसलों पर भी जीवन यापन करता है। इसके नुकसान के लक्षण अगर सही वक्त पर समझ आ जाए तो फसल की तबाही से बचा जा सकता है। देखिए, बालियों में दाने बनने के समय से ही इस कीट के शिशु और युवा कीट जबरदस्त आक्रमण करते हैं। बालियां जब दुधिया अवस्था में होती है तब यह कीट रस चूसकर दानों को खाली कर देते हैं और फिर इन्हीं खाली रह गई प्रभावित बालियों के दानों पर भूरे रंग का धब्बा बन जाता है। इस कारण उपज में लगभग 30% तक की कमी हो सकती है। इससे बचाव के उपाय तुरंत ही कर लेने चाहिए। वो कैसे, गौर से देखिएगा। मेड़ों से खरपतवारों को निकालना, जल्दी रोपाई करना और देर से पकने वाली किस्मों की बुआई करके इस कीट के आक्रमण से फसल को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। फसल में अत्यधिक यूरिया के प्रयोग से बचे। खड़ी फसल में गंधी बग के दिखने पर तुरंत इन रसायनों को इस्तेमाल में लाना फायदेमंद साबित होगा। इस हेतु आप इमिडाक्लोप्रिड 6%, लेमडासाई हेलोथ्रिन 4% SL की 120 मिली मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से पौधों पर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करें जब हवा नहीं चल रही हो और मौसम भी साफ हो। इसीलिए है ये मेरा सुझाव, करो मुश्किल आसान, माय एग्री गुरु से कर लो समस्या का सही समाधान। धन्यवाद। जोश है, विश्वास है, नए युग की खेती में माय एग्री गुरु का साथ है।